नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर के महिला थाने में एक महिला द्वारा भोपाल निवासी अपने पति के खिलाफ दहेज सहित अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पति ने पूरे मामले में पलासिया थाने पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट की शिकायत की थी। जांच पर से पुलिस ने महिला के खिलाफ 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर निवासी एक महिला द्वारा भोपाल निवासी अपने पति पर मारपीट सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में महिला थाने पर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराया गया था, जहां महिला ने जांच के दौरान भोपाल में डॉक्टर द्वारा बनाई गई मेडिकल जांच रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पति द्वारा इंदौर के पलासिया थाने में समस्त दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें महिला द्वारा झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र देने का हवाला किया गया था, जिस पर पुलिस ने जांच की और पाया कि महिला द्वारा पेश किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा है और भोपाल में किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। लिहाजा पलासिया पुलिस ने फरियादी पति की शिकायत पर उसकी पत्नी पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है और महिला से जाली दस्तावेज बनाने वाले फर्जी डॉक्टर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं महिला द्वारा जहां से ये सर्टिफिकेट बनवाया गया था, वहां पर भी पूछताछ की जा सकती है। एक महिला ने पूर्व में यहां महिला थाने में एक रिपोर्ट करी थी उसके पति के खिलाफ 498, 370 और अन्य धाराओं में। उसमें मेडिकल लगाया था, वो उसके पति का ये कहना है कि फर्जी है, गलत है। तो उनने फिर शिकायत करी थी कोई पिजा थाना भोपाल में उस संबंध में। तो उनने थाने वालों जो जांच की तो ये पाया गया कि वो मेडिकल जो संबंधित हॉस्पिटल से जारी नहीं हुआ है। फर्जी पाए जाने पर उनने 0 पे 420 की कायमी करके यहाँ भेजी थी, तो हमारे प्रकरण रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें कल महिला की गिरफ्तारी की गई। महिला इंदौर की है, इसका पति जो है वो भोपाल का है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।